क्या आप दर्द से परेशान हैं? आपको कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, कंधे का दर्द है या कोई भी पुराना दर्द है? क्या आप दवाई से परेशान हैं? आपको डर है कि दवाई लेने से मेरी किडनी ख़राब हो सकती है? और क्या आपको ऑपरेशन सजेस्टेड है पर आप करना नहीं चाहते या ऑपरेशन का कोई रोल ही नहीं है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, आपको फ़ायदा रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव हर्ष और आज हम बात करेंगे आम दर्द, कमर दर्द। मानसिंह भाई देसाई एक ऐसा मरीज जो 8 साल से कमर का दर्द लिए घूम रहा है। शुरू में तो उसे लगा कि शायद काम ज़्यादा होने से हो रहा है। धीरे धीरे उसने एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, पर कहीं ना कहीं कमर दर्द पकड़ में नहीं आ रहा था। अब ऑपरेशन भी सजेस्टेड नहीं था। ऐसे सूरत हालात में जब वो हमारे पास, मतलब कि पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को संपूर्णतः फिर से नए नज़रिए से देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। आज हमें कहने में बड़ी खुशी है कि उनको 8 साल का कमर दर्द मिट गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के हर एक मरीज़ को हम पूरा दर्द में आराम देंगे, पर हाँ, एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर आपको दर्द है तो सिर्फ दवाई से काम न चलाएं, पेन मैनेजमेंट करवा लें। कमर दर्द क्यों होता है? हम अगर कमर दर्द को दो हिस्से में बांट लें, पहला जवान लोगों में जो दिखता है वो, और दूसरा जो एक उम्र के बाद होता है, 40-50 के बाद वो। जवान लोगों में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आगे झुक कर वज़न उठाया जाए और उसमें घुटना न मुड़ा हो तो रीढ़ की हड्डी पे गद्दी होती है, उसमें लोड आता है और गद्दी में कट पड़ता है और इस वजह से कमर दर्द होता है। आदमी झुका सा रह जाता है और फिर एक दो दिन उसे बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशानी होती है। तो ये कमर की रीढ़ की हड्डी में गद्दी में सूजन आने की वजह से होता है। जिम में भी यही होता है। आप जिम में चले जाते हैं, एकस्टम नहीं होते और सडनली वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों में कमर दर्द आम बात है। उम्र वाले मरीज की बात करें 40-50 के बाद, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे रीढ़ की हड्डी में जो गद्दियाँ होती हैं, जो शॉक एब्जर्वर का काम करते हैं, उसमें एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, उसकी धीरे धीरे कमी होने लगती है, तो वो गद्दियाँ थोड़ी सी कड़क होने लगती है। और ऐसे सिचुएशन में अगर लंबा प्रवास हो गया जिसमें जग्स आ गए या आगे झुक के कोई वज़न उठा लिया, तो इस गद्दी में कट पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि यही गद्दी धीरे धीरे दब जाती है। और अगर आप रीढ़ की हड्डी को देखें तो रीढ़ की हड्डी जो है वो दो हड्डियाँ एक दूसरे पर कैसे जुड़ी हैं, तो आगे की तरफ वर्टेब्रा है, बीच में डिस्क है। मतलब रीढ़ की हड्डी में हम वर्टेब्रा यानी मणका और बीच में गद्दी और पीछे दो जॉइंट्स होते हैं। हर एक लेवल पे आगे एक गद्दी, एक वर्टेब्रा, दूसरा वर्टेब्रा और पीछे दो जॉइंट्स, इतने एलिमेंट्स हैं और इन सब को जोड़ने के लिए काफ़ी सारे मसल्स हैं। तो अब इन किसी भी जगह से दर्द उठ सकता है। और मान लीजिए अगर आपने इसे दवाई नहीं करी और प्रॉपर इलाज नहीं किया तो लंबा चल सकता है। 99% सिंपल कमर दर्द आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, किंतु रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं? तो हमारा काम क्या है कि पहले मरीज को सुनना, उसकी जांच करना, उसे फिजिकल एग्जामिन करते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो MRI है, X-ray है, ऐसी अलग अलग टेस्ट्स करते हैं और तय करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से दर्द शुरू हो रहा है। और फिर लाइव एक्सरे की मदद से या लाइव सोनोग्राफी की मदद से शरीर में वहाँ अंदर जाकर हम स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें इंजेक्शन हो सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, और ये सब सिर्फ सुई से होता है, इसमें ऑपरेशन नहीं होता। तो इस ट्रीटमेंट को हम नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं और इससे 100 में से 90% लोगों को दर्द में आराम मिल जाता है, दवाइयों की ज़रूरत कम हो जाती है या बंद करनी पड़ती है और ऑपरेशन भी कई किस्सों में टल जाता है। कमर दर्द की दूसरी बात करूँ मैं,
तो अगर आपको कैल्शियम की कमी है, खासकर औरतें 40-50 के बाद मेनोपॉज जिसे कहते हैं, मेंसेस बंद हो जाने के बाद उनमें कैल्शियम और विटामिन की कमी आती है, उनमें हमने देखा है कि कमर दर्द बहुत कॉमन होता है। तो कई बार सिर्फ ये चीज़ें देने से वो कमर दर्द ठीक हो सकता है। दूसरा, अगर आपको पेट में कोई रोग है तो वो भी कमर दर्द के रूप में बाहर आ सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक 70 साल के बुजुर्ग हमारे पास आए, कमर का दर्द था, उन्हें MRI भी करवाया हुआ था, एक्सरे भी करवाया हुआ था, सब डॉक्टर्स को दिखाया हुआ था, कमर दर्द मिट नहीं रहा था। हमने थोड़ा सा डिटेल में पूछा तो पता चला कि रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। फिर हमने एक टेस्ट करवाई जिसे PSA बोलते हैं, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, और अनफॉर्चुनेटली वो इतना हाई आया जिसका मतलब उन्हें प्रोस्टेट का कैंसर था और वो कैंसर अब वर्टिब्रा में जा रहा था। तो ऐसे कई दूसरी वजह हैं जिसमें हम डायग्नोसिस अगर कर सकें और प्रॉपर टाइम पे अगर उसे पकड़ लें तो उसका इलाज हो सकता है। तो ये रही कमर दर्द की बात, आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके फिर मिलेंगे। नमस्कार।